दिमाग पाठ दिमागी लड़ाई। एक दिन बगदाद के सुल्तान के दरबार में पड़ोसी सुल्तान का दूत आया। ये तो पड़ोसी सुल्तान का दूत है, क्यों आया है यह, मैं क्या जानूं, उसने मुझे कुछ तो बताया नहीं। इतने में दूत ने अपनी जेब से खड़िया का एक टुकड़ा निकाला, चुपचाप सुल्तान के तख्त के चारों ओर एक गोल लकीर खींच दी। तख्त मतलब सिंहासन, और चलता बना। बच्चों एक दिन क्या हुआ, जो बगदाद का सुल्तान था वह बैठा हुआ था और उसके दरबार में तभी पड़ोसी देश का एक दूत आता है और सिंहासन के आसपास एक गोर लकीर लगाकर चला जाता है। सभी हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिर हुआ क्या, उसने ऐसा क्यों किया भला। पता नहीं, सुल्तान पर कोई टोना टोटका किया हो, फिर सल्तनत पर। अगर उसके सुल्तान ने जादू वादू करवाया है तब तो हम गए काम से। सुल्तान ने अकलमंद दरबारियों से सलाह मशवरा किया। उन्होंने इस घेरे का बारीकी से निरीक्षण किया। इस ओर लकीर कुछ टेढ़ी दिखती है, असल मुद्दा यह नहीं, इस घेरे का मतलब क्या है यह समझाओ, सुल्तान ने गुस्से में कहा। क्योंकि जब उसने घेरे की पहेली सुलझाने के लिए कहा तो लोग लकीर को देखने लगे, यहाँ से टेढ़ी है यहाँ से सीधी है, क्योंकि उन्हें कुछ समझ तो आ नहीं रहा था। दरबारी काफ़ी देर तक आपस में विचार विमर्श करते रहे। अंत में बादशाह सलामत बहुत मगजपच्ची करने के बाद भी हम इस घेरे का मतलब समझ नहीं पाए। मगजपच्ची मतलब बहुत सोच विचार करने के बाद। ओफो, मैं बर्बाद हो गया, हे खुदा किन बेवकूफों से पाला पड़ा है। अचानक एक दरबारी को ख्याल आया, बादशाह सलामत ओझा को क्यों नहीं बुलवा लेते, इस पहेली को सुलझाना उनके ही बस का काम है। वाह क्या सुझाव है, होजा तो मेरी सल्तनत का सबसे सियाना आदमी है। ताज्जुब है, ताज्जुब का अर्थ है हैरानी, ताज्जुब है मुझे अभी तक उसका ख्याल क्यों नहीं। होजा को बुलवाओ, हाँ हाँ जल्दी से बुलवाओ, जोरों से होजा की पुकार मची। तेज दौड़ाने वाले हरकारे उसकी खोज में दौड़ाए गए। आहा होजा, उफ, तुम्हें फौरन सुल्तान के दरबार में हाजिर होना है। क्यों भाई क्या हो गया आखिर, होजा को हरकारे ने पूरा मामला बताया। और इस पहेली को बूझने वाले को सुल्तान इनाम भी देंगे। इनाम, मैं चलता हूँ पर कुछ सामान साथ में लेने पड़ेंगे। होजा ने बच्चों के खेलने के कुछ छोटे छोटे खिलौने और एक पालतू चूजा साथ में ले लिए और चल पड़ा महल की ओर। जब होजा को बुलाने की बात हुई तो जो तेज दौड़ सकते थे ऐसे हरकारे, हरकारे का अर्थ होता है बेटा संदेश देने वाले, संदेश देने वालों को होजा की खोज में भगाया गया। जब होजा उसे मिला तो संदेश देने वाले हरकारे ने उसे बताया कि वहां पर दरबार में क्या हुआ और सुल्तान ने उसे क्यों याद किया है। सारा मामला जानने के बाद और इनाम की बात सुनने से होजा दरबार में जाने के लिए हाथ चल पड़ा, लेकिन साथ में उसने अपने साथ बच्चों के खेलने के कुछ छोटे छोटे खिलौने और चूजा भी ले लिया। चूजा पता है बच्चों किसे कहते हैं, मुर्गी के बच्चे को। आओ होजा आओ, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, ठहरो ठहरो। होजा जब दरबार में पहुंचा तो सुल्तान ने उसका स्वागत करते हुए कहा और बताया कि वो कितना परेशान है। होजा ने कहा ठहरो, और वो घेरे का निरीक्षण करने लगा। या अल्लाह, वह दूत फिर आदम का, अभी जो हो जाता वो घेरे का निरीक्षण कर रहा था, इतने में वही दूत फिर आ गया, उसे मेरे पास आने दो, होजा ने कहा। चावल, वाह अब तो इसका हमेशा के लिए फैसला करना पड़ेगा। जब दूध दरबार में आया तो होजा ने उसके पैरों के पास बच्चों का खिलौना फेंका, लेकिन वो खिलौना देखकर दूध ने क्या किया, चावल के दाने फेंके। तो होजा ने क्या सोचा कि अब तो इसका फैसला करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं चित्र में क्या किया, होजा ने मुर्गी के बच्चे चूजे को चावल चुगने के लिए छोड़ा, और उसको चावल चुगता देख जैसे ही उसने चूजे को छोड़ा दूध जो था वो भाग गया। होजा तुमने तो उसकी छुट्टी कर दी भाई, मजा आ गया, हा हा देखो कैसा भागा है, हा 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 हम जीत गए। सभी खुश हो गए और हंसने लगे, देखो कैसे दुम दबाकर भागा डरपोक कुत्ते की तरह। होजा उसकी तो तुमने छुट्टी कर दी, पर आखिर यह माजरा क्या था, मेरी समझ के बाहर है। सीधी सी बात है, वह आपको जता रहा था कि उसका सुल्तान आप पर चढ़ाई करेगा और राजधानी को चारों ओर से घेर लेगा।
यह था आपके तख्त के चारों ओर गोल लकीर खींचने का मतलब। तो होजा ने उसे समझाया, सुल्तान को समझाया कि जो आपके तख्त के चारों ओर गोल लकीर उसने खींची है उसका अर्थ क्या था कि पड़ोसी सुल्तान जो है वो आपकी राजधानी को चारों ओर से घेर लेगा। ओहो, अब समझा, पर तुमने उसके पैरों पर बच्चों का खिलौना क्यों फेंका, सुल्तान ने पूछा। उसे यह समझाने के लिए कि हम उनसे ज्यादा ताकतवर हैं और वो हमारे सामने नीरे बच्चे हैं। सीधे शब्दों में मेरा मतलब था कि तुम हमारे सामने नीरे बच्चे हो, तुम्हारा भला इसी में है कि घर में रहो और खिलौनों से खेलो, हा। पर इस पर हमें दिखाने के लिए उसके सुल्तान के पास बेशुमार फौजी हैं। उसने जमीन पर चावल के दाने फेंके। चावल के दाने फेंकने का था कि जितने चावल के दाने अनगिनत हुए हैं इसी प्रकार हमारे पास बेशुमार फौजी हैं, हमारे पास ये सैनिक जो हैं वो अनगिनत हैं। मैंने चावल चुगने के लिए चूजे को छोड़ दिया, जिसका मतलब था अगर तुमने सचमुच हमारे साथ लड़ाई छेड़ी तो तुम्हारा एक भी सिपाही जिंदा नहीं बचेगा। जिस प्रकार चूजे ने एक एक दाने को चुग लिया है, इसी प्रकार हम भी तुम्हारे एक एक सिपाही को मार डालेंगे। ही 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 ही, सचमुच तुमने तो कमाल कर दिया। सुल्तान खुश हो गया, पर वह कुछ समझ तो गया ना, जरूर समझ गया होगा। आपने उसे भागते हुए नहीं देखा, सुल्तान ने पूछा कि उसने समझ तो लिया होगा। तो उसने कहा हाँ हाँ जरूर समझा होगा, हाँ 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 वह तो देखा था कि उसे भागते हुए तो देखा था कि कैसे वो डर के भाग गया, इसका अर्थ है कि वो जरूर हमारी बात समझ गया होगा। होजा, मैं तुम्हें वजीर बनाना चाहता हूँ। जब सुल्तान ने देखा कि होजा ने अपनी बुद्धिमता से सारी पहेली को हल कर लिया है तो उस बुद्धिमान होजा को अपना वजीर यानी कि अपना मंत्री बनाना चाहता था। नहीं बादशाह सलामत, शुक्रिया। तो सुल्तान परेशान हो जाते हैं कि मैं इसे इतनी अच्छा मौका दे रहा हूँ, इतनी अच्छी ऑफर दे रहा हूँ और ये ठुकरा रहा है। असल में मैं बड़ा मशगूल रहता हूँ, मशगूल का अर्थ होता है व्यस्त, बिजी। और यह कहते हुए होजा चल दिया और उसने सुल्तान को क्या कहा कि वह किसी और काम में बहुत व्यस्त रहता है और घर आकर मशगूल हो गया आराम करने में हमेशा की तरह। और घर आकर होजा किस में व्यस्त हो गया, आराम करने में, यानी कि वो सिर्फ आराम करना चाहता था और कुछ नहीं। तो बच्चों देखा, इस प्रकार हम अपनी बुद्धिमानी से समझदारी से किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। इसलिए हमेशा समस्या आने पर घबराएं नहीं, अपनी समझदारी से काम लें। धन्यवाद।